Hello and welcome to TargetNet. I'm Richa and I'm your educator for ADNet examination. तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में हायर एजुकेशन की यूनिट में करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को जो ये टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बिकॉज एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ HRD का, तो बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है उन पॉइंट्स को याद करना, लेकिन वहीं पे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक हम करने वाले हैं जिसका कि नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट जो 2019 में अभी लेटेस्ट आया है उसको हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे पॉइंट्स को कवर करने के बाद एंड में जो हम रिविजन करें सारे पॉइंट्स की समरी लिखें उस टाइम पे आपको सारे पॉइंट्स तब तक याद हो चुके हों, और अगर एक बार आप अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को लेक्चर के साथ साथ समझ लेंगे तो आई एम श्योर आपको एग्जामिनेशन में उनको रिकॉल करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेट अस बिगिन टुडेज लेक्चर। आई जस्ट टेक अ पेन फॉर माई सेल्फ। या तो मैं अपने पुराने लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ कि हमारी एजुकेशन पॉलिसीज जो प्रीवियस आई थी 1968 और 86 में उनके क्या मेजर पॉइंट्स थे, और उसके अलावा हम आपको याद होगा डिस्कस कर चुके हैं 1992 में जो प्लान ऑफ एक्शन या प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, उसके भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब 2019 में क्या हुआ कि रिसेंटली एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर वो लॉन्च किया गया, किनकी उसमें देखिए चेयरमैनशिप में पहली इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, डॉक्टर कस्तूरी रंगन की चेयरमैनशिप में मोदी सरकार द्वारा क्या दिया गया, ये 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया। तो पहली इंपॉर्टेंट बात चेयरमैन कौन थे, और दूसरा इसी वजह से इनको कस्तूरी रंगन कमेटी के नाम से भी बोला जाता है कि किस कमेटी, क्वेश्चन पूछता है किस कमेटी ने ये ड्राफ्ट प्रेजेंट किया 2019 का, तो आपका आंसर होगा कस्तूरी रंगन कमेटी। अगली चीज, अब क्योंकि ये 2019 के हिसाब से अगले 5 या 10 सालों के लिए ये पॉलिसी आई थी, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें एजुकेशन स्ट्रक्चर को कितना इम्प्रूव करने की बात बोली होगी हर लेवल पे। तो जो एक कॉमन वर्ड बार बार मैं इस प्रेजेंटेशन में यूज़ करूँगी वो होगा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशन स्ट्रक्चर, रीवैम्पिंग ऑफ एजुकेशन स्ट्रक्चर। मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग, या वर्ड यूज करूंगी रीवैम्पिंग, यानी कि एक ओवरहॉलिंग। जैसे कि कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, उसमें नए पार्ट्स जो हैं वो लगाते हैं, नई चीज़ें नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाती है, वो लेटेस्ट सिनेरियो के हिसाब से इक्विप हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो यही हमारी इस बार की जो कमेटी है या इस बार की जो सरकार थी उन्होंने जो विजन स्टेटमेंट बनाया था एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, जो अभी आप देखेंगे भी उसमें आपको पता चलेगा कि जो विजन था वो यही था कि एजुकेशन को प्रेजेंट नीड और फ्यूचर नीड्स के हिसाब से स्ट्रेंथन किया जाए, तैयार किया जाए। तो उसी को ध्यान में रख के देखो, पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि जो विजन स्टेटमेंट था वो क्या है, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, ना केवल सिर्फ एजुकेशन या शिक्षा को प्रदान करना बल्कि हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना सबको, ये जो था ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस बार के ड्राफ्ट का, पहली चीज। दूसरी देखो क्या लिखा है बेटा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज डिजाइन टू मीट द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, जो मैंने आपसे भी बात की, जो चेंजिंग सिनेरियो हो रहा है इंटरनेशनली, हमारे देश के अलावा जो कंट्रीज हैं उनमें रिसर्च को लेकर, इनोवेशन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, फैसिलिटीज़ को लेकर, करिकुलम को लेकर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उस सिचुएशन में उस सिनेरियो के साथ फाइट कर सकें, तो हमें क्या करना होगा, हमारी एजुकेशन को क्वालिटी के कंटेक्स्ट में इनोवेशन यानी नई चीज़ें और रिसर्च, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, बार बार आप ये चीज़ सुनेंगे कि रिसर्च की फैसिलिटीज़ जो हैं या रिसर्च को लेकर कोलैबोरेशन जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है अब इस बार के ड्राफ्ट में और आने वाले 5 या 10 सालों में ओवरऑल एजुकेशन के कंटेक्स्ट में। तो यही बात मैंने इस पॉइंट में लिखी है कि नई एजुकेशन पॉलिसी का को किन बातों को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। आगे देखो, द पॉलिसी एम्स एट मेकिंग इंडिया अ नॉलेज सुपर पावर बाय इक्विपिंग, देखा वही वर्ड आ रहा है, इक्विपिंग स्टूडेंट्स विद द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज,
ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं. इट ऑल्सो फोकसेज ऑन एलिमिनेटिंग द शॉर्टेज ऑफ, ये हाईलाइट है इस बार का, साइंस टेक्नोलॉजी एकेडमिक्स और इंडस्ट्री, इन चारों ही फील्ड्स में मैन पावर की जो शॉर्टेज हो रही है, यानी कि जितने लोग चाहिए हमें सर्वाइव करने के लिए, कॉम्पिटिटिवली इम्प्रूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उतने लोग नहीं हैं, क्वालिफाइड लोग नहीं हैं इन फील्ड्स में. तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड एक्सपर्टीज वाले, लीडरशिप वाले लोग, इन सारे लोगों को इन सारी फील्ड्स के लिए प्रोवाइड किया जाए, किससे, हमारी एजुकेशन सिस्टम से. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है. और जो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, द ड्राफ्ट इज बिल्ड ऑन द फाउंडेशन पिलर्स ऑफ, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पहले आईसीटी के कंटेक्स्ट में या हायर एजुकेशन में जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं उनके कंटेक्स्ट में या फिर डिस्टेंस लर्निंग के कंटेक्स्ट में आपसे पूछा जाता था, जो मैं पहले कई लेक्चर्स में लिख चुकी हूँ कि हमारे तीन पिलर्स थे, वो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे आई एम श्योर. एक एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, इनकी बात होती है बार बार. एक्सेस, let me write slowly, access, equity and quality in terms of education, ये तीन pillars I am sure जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या पहले lecture सुन चुके हैं उन्हें याद हो गए होंगे. तो बस इन्हीं के continuation में दो और चीज़ें हैं जो add हुई हैं इस बार के draft में, accountability and affordability. ये देखो लास्ट में आप देख रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, बेटा एजुकेशन के सेक्टर में एक्सेस का मतलब है, या डिस्टेंस लर्निंग के जो प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग के जो प्रोग्राम्स हैं, जिसमें कि जो लर्नर है वो डिस्टेंस से या टाइम से सेपरेटेड है, लेकिन फिर भी उसको एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, उसको लेकर ये तीन चीज़ें बनाई गई थी. तो एक्सेस का मतलब ये है कि जितने भी दूर दराज के इलाके हैं, यानी कि डेमोग्राफिकली जितना भी सेपरेशन है, शहर है, गांव है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, कोई ऐसे दूर के इलाके हैं जो उनके बच्चे हैं, किसी भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कितनी भी दूरी पर अगर लर्नर है तो उस तक एजुकेशन पहुंच पाए, एक्सेस का मतलब ये होता है. इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी को लेकर, स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई है, इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, मतलब कि कास्ट, रिलीजन, इन सब को लेकर, या फिर सोशल बायसेस, अमीर या गरीब, इन चीज़ों को लेकर क्या है, एजुकेशन को बायसनेस ना आए, सबको एजुकेशन प्रोवाइड हो, किसी भी तरह का जो है बायसेस जो होते हैं वो ना किए जाएं, एज को लेकर, रिलीजन को लेकर, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, माइनॉरिटीज़ हैं, अडल्ट्स हैं, स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं, स्पेशल ग्रुप्स हैं, डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैं, इन सारी ही कैटेगरीज के बेसिस पे बाइफर्केशन ना किया जाए, एजुकेशन को लेकर इक्विटी हो, समानता से सबको अवसर दिया जाए, इक्विटी का मतलब ये होता है. क्वालिटी का मतलब होता है कि जो आप प्रोग्राम या करिकुलम या कोई डिसिप्लिन या फिर कोई स्पेशलाइजेशन या कोई कोर्स जो आप ऑफर कर रहे हैं, उसका जो कंटेंट है, दैट शुड बी क्वालिटी कंटेंट. वो एक सब स्टैंडर्ड कंटेंट जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन या एजुकेशन के नाम पे बच्चों को प्रोवाइड ना किया जाए, हमेशा उन्हें क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए. तो जो ये तीन थे आपने अच्छे से पहले सुने हुए, दो देखो बेटा जो ऐड हुए, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, उनका सीधा मतलब है, अफोर्डेबिलिटी आप जानते हैं कि सब लोग उन्हें अफोर्ड कर पाए, मतलब कि जो एजुकेशन पे जुड़ा हुआ एक्सपेंडिचर है जो एक लर्नर को देना पड़ता है, उसमें जो कीमत है पैसों की वो कम की जाए और जो लोग हैं वो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अफोर्ड कर पाए. तभी आपने देखा होगा आजकल जो प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं डिस्टेंस लर्निंग के या नॉर्मल एजुकेशन के भी, जिनमें फी स्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी रिलैक्सेशन मिला है और कई सारी लेवल्स पे जो है लोगों को अफोर्डेबल किए जा रहे हैं प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा. तो पहला तो अफोर्डेबिलिटी का ये पॉइंट हुआ. अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से पॉइंट है, जो एजुकेशन में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, वो है कि नोबडी इज यू नो व्हेन समवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग देन ही परफॉर्म्स इन अ बेटर वे. जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो वो एक बेटर वे में परफॉर्म करता है. जब मुझे पता है कि जो मुझे प्रोग्राम ऑफर हो रहा है उसके लिए मेरा टीचर, मेरा डिपार्टमेंट या मेरा यूनिवर्सिटी अकाउंटेबल है, तो मेरा एक तो विश्वास आप पे ज़्यादा होगा और वही लोग, वही जो लोग अकाउंटेबल हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, बेस्ट आपको फैसिलिटीज देंगे, क्योंकि वो उन चीज़ों के लिए अकाउंटेबल हैं. तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी के मतलब टीचर्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब लोगों को है कि जो एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी वो ऐसे ही नहीं है, उसकी अकाउंटेबिलिटी यानी कि उसकी जिम्मेदारी जो है वो इन लोगों के कंधों पर है, इसलिए यू मस्ट बी रेस्ट अश्योर्ड. और जितना अच्छा होना है वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेंगे, ये लोग आपके जो एजुकेशन के एकेडमिशंस हैं या जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं. तो ये दो पॉइंट जो हैं एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से अपने नोट्स में.
आगे चलते हैं जी, अब आते हैं हम मेन जो चेंजेस प्रपोज हुए हैं उस पे। देखो ये चेंजेस बेटा याद करने का एक बहुत आसान तरीका है कि जिन जिन लेवल पे चेंजेस हुए हैं, जैसे स्कूल एजुकेशन को लेकर क्या बात हुई है आप उसके 5 पॉइंट्स लिख लीजिए, कॉलेज को लेकर क्या हुआ है उसके लिख लीजिए, रिसर्च एंड इनोवेशन को लेकर क्या हुआ है उसके अलग पॉइंट्स याद कर लीजिए, और करिकुलम को लेकर स्कूल एजुकेशन टीचर एजुकेशन को लेकर क्या बात हुई है उनके पॉइंट्स। तो इस तरह से जब आप एक बार कैटेगरी वाइज पॉइंट्स को पढ़ लेंगे या लिख लेंगे तो आई एम श्योर आप एग्जाम्स तक उनको आसानी से याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज के लेक्चर की है, जहाँ से शुरुआत होती है चेंजेस की, वो है कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, जो एजुकेशन एज अ होल जो हमारी कंट्री की है उसको लुक आफ्टर करती है, उसका नाम चेंज करने की बात हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिससे कि जो फोकस है वो वापस से एजुकेशन, ये दो वर्ड इसमें याद कर सकते हैं आप, एजुकेशन और लर्निंग। आई एम सॉरी मेरा नोट पैड इज़ नॉट वर्किंग एंड लॉकडाउन की वजह से आई एम नॉट एबल टू ऑर्डर, इसलिए बेयर विद माई हैंड राइटिंग। अब ध्यान से सुनिए बस वर्ड्स क्या बात हो रही है, एजुकेशन और लर्निंग पे वापस से फोकस आ जाए, इसके लिए जो MHRD जिसपे हम कई बार बात कर चुके हैं या और लेक्चर्स में आप सुनेंगे, जो हमारी एजुकेशन सेक्टर को देखने वाली मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसका नाम चेंज करने की बात हो रही है, MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फेयर इनफ, आई थिंक ये आपको अच्छे से याद रहेगा। अब आते हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, करिकुलम को लेकर। बेटा करिकुलम को लेकर स्कूल एजुकेशन के परस्पेक्टिव में जो एक बहुत बड़े चेंज की बात की जा रही है वो है 5+3+3+4 करिकुलम स्ट्रक्चर। अब इसकी बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपको आपने सुना हुआ है 10+2+3 सिस्टम के बारे में, या फिर जिन बच्चों को मालूम है या उन्होंने लेक्चर देखा हुआ है आप मुझे बता सकते हैं कि किस कमिटी ने ये 10+2+3 सिस्टम प्रपोज किया था। आई एम श्योर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि जो कोठारी कमीशन था उसमें एजुकेशन के स्ट्रक्चर को लेकर 10+2+3 स्कीम जो थी वो प्रपोज हुई थी और हम काफ़ी टाइम से उसे फॉलो कर रहे हैं। अब क्या बात हुई है 2019 में ये सोचा गया या ये रियलाइज़ किया कि बच्चों की जो डेवलपमेंटल नीड्स होती हैं, यानी कि जो आपके हर लेवल में आप एज वाइज जो डेवलप करते हैं वो आपकी डेवलपमेंटल नीड्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, और उन डेवलपमेंट नीड्स को मीटअप करने के लिए ऑब्वियसली जो करिकुलम का स्ट्रक्चर है या पढ़ाई का जो तरीका है या जो मेथोडोलॉजी है या सिलेबस का कंटेंट है या लेक्चर को डिलीवर करने का तरीका है या जो आप एडिशनल एक्टिविटीज़ कराते हैं वो किस चीज़ के अराउंड फोकस करें वो हर लेवल पर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि उनकी नॉलेज और स्किल्स अभी डेवलप नहीं हुए होते हैं तो उस टाइम पे आप जो एक्सरसाइजेस कराते हैं या जो एजुकेशन को जिस तरीके से इम्पार्ट करते हैं, यू ट्राई एंड फोकस योर एजुकेशन सिस्टम अराउंड द वर्ड विच इज़ नोन एज अवेयरनेस, यानी कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराते हैं चीज़ों से। वाई? बिकॉज They are naive. They don't know anything. अभी उनको कुछ भी नहीं पता है किसी चीज़ को लेकर। अगर आप उन्हें इस लेवल पे सीधे नॉलेज की बातें या स्किल्स की या फिर इवैल्यूएशन और एनालिसिस की बातें या फिर चेंज से जुड़ी बातें करने देखेंगे तो शायद उन्हें समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उन्हें जितने भी गेम्स एक्सरसाइजेस प्रोजेक्ट्स फील्ड ट्रिप्स में अवेयरनेस का जो उनका स्पैन है उसको बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जितना ज़्यादा वो अवेयर होंगे यानी कि आँखों से और अपने सेंस ऑर्गन्स से जितने चीज़ों को देखेंगे सुनेंगे जिनके बारे में, तो उनको उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसी फंडे को इसी चीज़ को ध्यान में रखकर नए जो करिकुलम स्ट्रक्चर की बात हो रही है वो है 5+3+3+4 मॉड्यूल, जिसको मैंने बाइफरकेट किया है अगले पेज पे, जिसमें कि प्री जो नर्सरी है आपकी जो किंडरगार्टन वाली स्टेज है वहाँ से लेकर 12th क्लास तक का जो प्रोग्राम है वो कैसा होना चाहिए, किस साल को किस कैटेगरी में किस स्टेज के अंदर डाला गया है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम हुआ तो सीधे क्वेश्चन में अगर वो आपसे पूछते हैं तो 5+3+3+4 एक तो आपको पता होना चाहिए और फिर पता होना चाहिए ये 5, 3, 3, 4 का मतलब क्या है, हर इन इन जो ये नंबर्स हैं इनमें कौन से साल के बच्चे आ रहे हैं या कौन से क्लास के बच्चे आ रहे हैं और उस स्टेज का एक पर्टिकुलर नाम है। बहुत ही ईजी सी दिखने वाली चीज़ है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछ लिया कि प्रिपरेटरी स्टेज में कौन सा साल आता है तो फिर आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो इसीलिए एक बार देखते हैं अगले पेज को, देखो ये टेबल मैंने जो बनाई है इसको अच्छे से याद कर लेना। चार स्टेजेस जो हैं
5 + 3 + 3 + 4। तो जो ये करिकुलम का स्ट्रक्चर है ये इस बार बनाने की प्रपोजल आया है, जिसमें देखो ये 5 साल कौन से हैं, 3 years ऑफ प्री प्राइमरी एंड 1 and 2 class, यानी क्लास सेकेंड तक जो है वो हमारी फर्स्ट स्टेज है और उसे फाउंडेशनल स्टेज का नाम दिया गया है। सेकेंड स्टेज देखते हैं 3 साल, कौन सी स्टेज है वो हमारी सेकेंड स्टेज है, जिसमें कि 8 से 11 साल तक के बच्चे होंगे। सेकेंड तक यहाँ आ गए तो 3rd से 5th standard तक यहाँ होंगे, और नाम क्या है, प्रेपरेटरी स्टेज। अगली स्टेज है मिडिल स्टेज, 11 से 14 साल तक के वो बच्चे जो 6th से 8th standard के हैं वो एक स्पेशल डेवलपमेंटल स्टेज में फॉलो करते हैं, और जो करिकुलम है आपके एकेडमिक्स का वो उसको ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए। ये है प्रपोजल का मेन एम। और लास्ट स्टेज देखो आप, 9 से 12वीं यानी कि 9th to 12th class तक के वो बच्चे जो किस एज ग्रुप में फॉल कर रहे हैं, 14 to 18 years, एंड द नेम ऑफ द कैटेगरी इज सेकेंडरी स्टेज। सो ये 4 stage में करिकुलम को डिवाइड करने की बात हुई है। आई थिंक ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हायर एजुकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पेपर हायर यूनिट ही हायर एजुकेशन की है, तो इसके लिए हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए हैं वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीवैम्पिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि किन लेवल पे, अगर मैं इसको बाइफरकेट करूँ आपके और अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो किन स्टेजेस पे चेंज या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है हायर एजुकेशन को लेकर, तो आप लिख लीजिए इन 4 चीज़ों को। वो 4 चीज़ें हैं, पहली वाली स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को लेकर चेंज की बात हो रही है, फिर हो रही है फंडिंग को लेकर, फंडिंग को लेकर दूसरे लेवल पे चेंज की बात, तीसरे लेवल पे प्रोसेस ऑफ एक्रीडिटेशन, ये मैंने आपको बताया जैसे NAC और NBA जैसी बॉडीज हैं, एक्रीडिएशन की बॉडीज जो हैं उनको लेकर चेंज की बात हो रही है, और चौथी बात हो रही है रेगुलेशन, जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं उनको लेकर। तो इस तरह से ओवरऑल एजुकेशन के स्ट्रक्चर को रीवैम्पिंग या रीचेंज की बात हो रही है, एक तरह से पुनर्गठन, हिंदी में इसका एग्जैक्ट वर्ड है हिंदी वाले बच्चों के लिए, पुनर्गठन की बातें हो रही हैं। ये वर्ड रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग का एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड था जो आया था एक एजुकेशन पॉलिसी में, ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको किसी लेक्चर में ज़रूर ये बताया था कि रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग की जो उग्र पुनर्गठन की बात हुई थी वो पहली बार कहाँ पर हुई थी, किस एजुकेशन पॉलिसी में, किस पॉलिटिशियन की या किस लीडर की फ्लैगशिप में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, देखो क्या बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगला क्वेश्चन जो एक कैची क्वेश्चन बन सकता है, Type 1, Type 2 और Type 3, ये इन्होंने 3 categories बनाई हैं एक तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की हायर एजुकेशन को लेकर। आप जानते हो हायर एजुकेशन में कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, UG, PG और रिसर्च या यूनिवर्सिटी वाले प्रोग्राम्स होते हैं। अब उनको देखकर देखो उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ Type 1, 2 और 3 इंस्टीट्यूट जो हैं वो खोले जाएँ। अब 1, 2 और 3 को बाइफरकेट करने का उनका एजेंडा जो है या उनकी जो फोकस है वो क्या है, कि Type 1 इंस्टीट्यूट्स वो हैं जिनमें कि वर्ल्ड क्लास रिसर्च और हाई क्वालिटी टीचिंग की बात की जाए, मतलब कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिनका फोकस किस पे हो, रिसर्च और क्वालिटी टीचिंग पे। और 2 और 3 को देखो उन्होंने ना जो हमारे यूजी प्रोग्राम्स हैं उनके बेसिस पे डिवाइड किया है। 2 का मतलब है हाई क्वालिटी टीचिंग इन वेरियस डिसिप्लिन, सभी तरह के डिसिप्लिन में हाई क्वालिटी टीचिंग हो, ऐसे इंस्टीट्यूट्स Type 2 के अंदर आए हैं। और Type 3 वेरी इंपॉर्टेंट जो है उसमें ऐसे इंस्टीट्यूट्स आए हैं जो कि फोकस कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट UG प्रोग्राम्स, जो हमारे जितने भी बैचलर प्रोग्राम्स होते हैं उनको, उन पर फोकस करके जो इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे वो होंगे Type 3। और इस एजेंडा को अचीव करने के लिए उन्होंने फर्दर 2 मिशन्स हैं उनको प्रपोज किया है, जो आप आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। नाम है उनका मिशन तक्षशिला एंड मिशन नालंदा, आई जस्ट राइट हियर। इसी चीज़ को हायर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा Type 1, 2 और 3 इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं, उसके लिए अगर आप इसको इजी लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो मतलब हुआ ऐसे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स जिनमें रिसर्च और क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, हर डिसिप्लिन में अच्छे टीचर्स जो हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पर फोकस किया जाए। ऊपर से बात करें तो इस तरह के मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं, और अगर हम कैटेगोरिकली बात करें तो आपको 1, 2 और 3 का जो मेन डिफरेंस है वो अच्छे से पता होना चाहिए कि किस मिशन, किस टाइप में कौन से वाले कॉलेजेस पे फोकस किया जा रहा है, कैसे इंस्टीट्यूशंस पे फोकस किया जा रहा है। अब इतने सारे इंस्टीट्यूट जो नए खोलने की बात हो रही है लाखों में, इसको ही इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्दर 2 मिशन प्रपोज किए गए हैं, मिशन नालंदा
एंड मिशन तक्षशिला, ये दोनों ही आपको पता है हमारी एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं। इनके बारे में हम एंशियंट इंडिया वाला जो हमारा सब टॉपिक है इस यूनिट का उसमें पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन उसको इससे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। वो हमारी एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं, एंशियंट एजुकेशन के संस्थान हैं, और उनमें क्या हुआ था, वो किस सदी में आई थी, उनमें कैसा एजुकेशन सिस्टम था, एंट्रेंस का क्या बेसिस था, ये सारी चीज़ें हम उस टाइम पर पढ़ेंगे। अभी ये मिशन नालंदा और तक्षशिला जो है ये बिल्कुल रीसेंट मिशन हैं 2019 के, जिनके अंदर आप क्या होगा देखो अगली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, अभी बाकी के वो पढ़ लेते हैं पहले। अगली बात जो चेंज की हो रही है वो देखो क्या हो रहा है, 2025 तक प्रपोज किया है कि जो हर बच्चा जो पांचवी तक की क्लास में आ गया, एवरी स्टूडेंट हु इज स्टार्टिंग इन ग्रेड 5 क्लास 5 मस्ट हैव द बेसिक एबिलिटी टू रीड एंड राइट, बेसिक अंग्रेजी लिखनी बोलनी और मैथमेटिकल एबिलिटी जो होती है, बेसिक न्यूमरेसी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिविजन, जो आप बेसिक घना गुटाव घटाव करते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बच्चों को पांचवी क्लास तक के बाद हर बच्चे को ये आनी चाहिए। एक तो ये प्रपोजल, दूसरा क्या है देखो, री इंटीग्रेटिंग ड्रॉप आउट्स एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। जिन लोगों का या जिन बच्चों का या जिन अडल्ट का किसी भी वजह से जो प्रोग्राम है एजुकेशन का वो छूट गया है, उन्होंने ड्रॉप करा है, तो उन्हें क्या है वापस से इंटीग्रेट किया जाए, उन्हें वापस से पढ़ने का मौका दिया जाए ताकि वो अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स को कंप्लीट कर पाए। उसके अलावा देखो बहुत 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 ये टीचिंग में भी मैं पढ़ाती हूँ, इसमें भी आ गया है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समान एजुकेशन और इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लीजिए, दोबारा हम टीचिंग में डिटेल में पढ़ेंगे, हर तरह के बच्चे यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं जिन्हें कोई तरह की डिसेबिलिटी है, उनको और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको साथ पढ़ाया जाए। अब से पहले बेटा जितने भी प्रोग्राम्स आए उन्होंने बातें तो बहुत की कि जो स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया जाए, लेकिन असलियत में क्या होता था, जब उन बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता था तो किसी ना किसी लेवल पर उनके साथ बायसनेस होती थी, मतलब कि उनके पढ़ाने के कमरे कहीं और हो गए, उनके खेलने की जगह और हो गई, ताकि नॉर्मल बच्चों के साथ उनको कोई डिस्टरबेंस नॉर्मल बच्चों को ना हो उनकी पढ़ाई में। तो जो ये फंडा था, ये जो कॉन्सेप्ट था साथ पढ़ाने का, ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। अब ये बात हुई है कि जो टीचर है वो जो बच्चे हैं उन्हें किसी प्रेशर में या किसी तरह के स्ट्रेस में रहने की जरूरत नहीं है, अपनी स्पेशल जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से या स्पेशल डिसेबिलिटीज की वजह से, अब जो जिम्मेदारी है वो स्कूल के कंधों और टीचर्स के ऊपर है कि आप ऐसे फ्रेंडली या ऐसे कंपेटेबल क्लासरूम बनाएं या ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं या इस तरह से अपनी पढ़ाई को, एजुकेशन को या लेसन को डिलीवर करें कि उन बच्चों की नीड्स जो हैं वो भी मीटअप हों। तो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अब टीचर के कंधों पे आई है, और इसलिए इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ हम इक्वालिटी की बात करते हैं वहाँ पर जो स्पेशल बच्चे हैं हमारे जिन्हें किस तरह की भी डिसेबिलिटी है उन्हें पढ़ाई में भी इक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ये पॉइंट है अगला आपके लिए जो मेजर की प्रपोजल है इस बार के ड्राफ्ट का। आगे देखते हैं भाई, रेगुलेशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। मैंने आपको बताया था रेगुलेशन और एक्रेडिटेशन के ऊपर चेंजेस की बात हुई है, क्या हुई है हम आगे पढ़ेंगे। देखो इस पॉइंट में नहीं है, नीचे आएगा ये, रीमैप द हायर एजुकेशन सिस्टम एंड क्रिएट वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री एंड इंक्रीज GER टू एटलीस्ट 50%। क्या कोई बच्चा है जो मुझे बता सकता है कि हमारा करंट GER रेशो क्या चल रहा है? तो लगभग हम 26 से लेकर 27 के बीच पर अभी रह रहे हैं, और बार बार के एजुकेशन पॉलिसीज़ में इस GER रेशो को बढ़ाने की बात होती है, जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हायर एजुकेशन के सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो वो रेशो होता है, वो स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो हमें ये बताता है कि हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स में कितने बच्चों ने एनरोल किया, और इसी के बेसिस पे उस कंट्री का जो एजुकेशन को लेकर स्टेटस है वो मेजर किया जाता है काफ़ी हद तक। तो उसको हमेशा बढ़ाने की बात होती है हर एजुकेशन पॉलिसी में। तो हालांकि ये रियलिस्टिक है या नहीं वो मुझे नहीं मैं कह सकती इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, पर बात की गई है उसे 50% तक पहुंचाने की बाय द ईयर 2035 में।
energized, engaged and capable faculty. Teacher education को लेकर, substandard teachers को लेकर बहुत ज़्यादा इस पर focus किया गया है कि जो mushrooming of institutions हो रही है या फिर ऐसे institutions हैं जो कि teachers को contractual basis पे लेते हैं या ऐसे ऐसा propose किया गया है कि जो teachers को appoint किया जाए वो minimum जो उनका deployment हो किसी एक जगह पे वो 5 से 7 साल के लिए हो, जिसका clearly ये मतलब है कि उनको ad hoc बेसिस पे या टेम्प्ररी बेसिस पे नहीं रखा जाए, बिकॉज उससे जो टीचर है एक तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, उसकी बॉन्डिंग कम होती है, आपकी जो उस इंस्टीट्यूशन को आप जानते हैं समझते हैं और एक काफ़ी समय तक जब आप उस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो एक तरह से आप बाउंड हो जाते हैं, आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ज़्यादा अच्छे से अपनी जो आपके एकेडमिक्स का लेवल है उसको डिलीवर करते हैं। तो ये प्रपोज किया गया है कि एडहॉक और जो कुछ पीरियड के लिए टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है या फिर जो कैपेबल टीचर्स नहीं है, जिनका एक सफिशिएंट एक्सपोजर नहीं है टीचिंग को लेकर, उनको अपॉइंट आप ना करें, एनर्जाइज्ड एंगेज्ड और कैपेबल फैकल्टी को ही आप अपॉइंट कीजिए। अगला देखो, अडल्ट एजुकेशन टू बी अचीव्ड 100% बाय 2030। 100% अडल्ट एजुकेशन अचीव करने की बात बोली गई है नई एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपका इस पे बन सकता है, एक ऐसे आयोग को गठन करने की बात की गई है जिसको हेड करेंगे कौन, हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये स्पेशल आयोग है, इसको बनाने का प्रपोजल दिया है और कहा है कि जो हमारा एजुकेशन को लेकर विजन है, यानी कि सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले, उस विजन को सोचना ही नहीं, उसको इनकॉर्पोरेट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको इवैल्यूएट करना, इसका काम जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग करे। और क्या करे, ये रिसर्च से जुड़े हुए कामों को भी देखे, मतलब इस तरह से कह सकते हो आप इसको कि एक स्पेशल आयोग की गठन का प्रपोजल आया है जिसको कौन चेयर करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर। और इसका एम क्या होगा, जो हमने विजन सोचा एजुकेशन को लेकर उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना और प्रोग्रेस करवाना। सिनर्जिस्टिक फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम एट ऑल लेवल लेड बाय न्यू आयोग। इस न्यू आयोग की बात हो रही है कि जो सिनर्जिक मैं बता चुकी हूँ आपको कई बार, सिनर्जी का मतलब होता है जब 2+2 जो होते हैं, 2+2 इज नॉट इक्वल टू 4, इट इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स इफ मोर एंड मोर पीपल विल वर्क टूगेदर टूवर्ड्स अ सिंगल गोल, टूवर्ड्स अ सिंगल फंक्शन, अ सिंगल एजेंडा इन देयर माइंड, देन द आउटपुट विल ऑब्वियसली बी मोर देन वॉट इट माइट बी वेन दे आर यू नो वर्किंग इन आइसोलेशन। तो अगर अलग अलग आप काम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो उसका जो आपका आउटपुट निकलेगा उससे बहुत ज़्यादा होगा अगर इकट्ठे होकर आप उस गोल की तरफ काम करेंगे। यही मतलब है इस पॉइंट का कि ऐसे आयोग का गठन हो जो क्या करे, एजुकेशन के पूरे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सके, विजिल कर सके, एनालाइज कर सके, इवेल्युएट कर सके। अगला इंपॉर्टेंट बॉडी, आपसे ये बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये नई बॉडीज हैं जिनको एस्टैब्लिश करने की बात हुई है। ये नाम आप सुन लीजिए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एक ऐसी एपेक्स बॉडी बनाने का प्रपोजल हुआ है जो कि रिसर्च के कल्चर को। अब इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताती हूँ जिससे कि आपकी थोड़ा सा एनलाइटनमेंट होगा कि अगर हम रिसर्च में, रिसर्च के सेक्टर में, एजुकेशन में होने वाली जो फंडिंग होती है, यानी जितना पैसा जो देश रिसर्च से जुड़ी हुई जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें लगाता है, अगर उसको परसेंटेज में बात की जाए तो अगर मैं बात करूं ऐसे देशों की जैसे कि ब्राज़ील, जैसे कि मैं बात करूं यूके, जैसे कि मैं बात करूं यूएसए, और फिर एंड में मैं बात करूं इंडिया की, तो देखो ब्राज़ील में ऑलमोस्ट 6% ऑफ GDP, जो नेशनल इनकम का 6% पार्ट है, वो रिसर्च एंड इनोवेशन में डाला जाता है। यूके और यूएस में, दोनों में अप्रॉक्सीमेटली 5 and 5.5% जो है वो। अब मैं अगर इंडिया पे आऊँ तो अभी तक भी 2019 तक जो रिसर्च को लेकर जो फंडिंग है वो समवेयर अराउंड 2%, विच इज़ वेरी 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 लेस इन कंपेरिजन टू अदर नेशंस हु आर डूइंग वेरी वेल इन रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एजुकेशन। तो इससे साफ पता चल रहा है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फंडिंग है वो जो क्या बोलते हैं आप उनको, अच्छे रिसर्च जो प्रपोजल्स हैं अलग अलग फील्ड में, फिर वो चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्री हो, सोशल साइंसेज हो, ह्यूमैनिटीज हो, आर्ट्स हो, इन सब में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने की। और स्टेट ऑफ आर्ट जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं, यानी कि अच्छे
तबके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऐसी फैसिलिटीज़ हो, ऐसे रिसर्च के हमारे एवेन्यूज़ हों, ऐसे हमारी फैकल्टीज़ हों। और उसी को ध्यान रखकर जब आप इनिशिएटिव वाला लेक्चर सुनेंगे तो सुनेंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रन कर रहे हैं आजकल रिसर्च कोलेब्रेशन को लेकर। तो ये पॉइंट यही हाईलाइट करता है कि ऐसी एपिक्स बॉडी बनाई जाए जिसका नाम हो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और वो क्या करे, रिसर्च कल्चर को जो है वो स्ट्रॉन्ग करे या उसको एडवोकेट करे कि ये कल्चर जो है ये फॉलो किया जाना चाहिए स्ट्रॉन्गली इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव इस हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी लैक कर रहे हैं रिसर्च को लेकर, और ऑलरेडी हम लैक कर रहे हैं अमाउंट। अगर मैं और डिटेल में जाऊँ तो ना केवल रिसर्च को लेकर बट नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, नंबर ऑफ रिसर्च जर्नल्स, साइटेशंस, आर्टिकल्स, हर लेवल पे हम जो है वो लैक कर रहे हैं इंटरनेशनल फोरम में। तो हमें क्या है, एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है रिसर्च को लेके। ऑल्सो दिस बॉडी विल एक्ट एज अ लाइजन, दिस बॉडी विल एक्ट एज अ लाइजन और अ ब्रिज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स में मैंने नहीं लिखा हुआ है, एज अ लाइजन और अ ब्रिज बिटवीन हु रिसर्चर, जो आपका रिसर्चर है उसके बीच में और जो मिनिस्ट्रीज हैं हमारी गवर्नमेंट की, जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके बीच में ये लाइजन का काम करेगी, एक तरह से ब्रिज का काम करेगी ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अंडरस्टूड, आगे चलते हैं। ये आ गया जी वो, क्योंकि हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे तो मिशन तक्षशिला और मिशन नालंदा ये दोनों ऐसे मिशन हैं जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप 1, 2, 3 इंस्टीट्यूट जो खोलने जा रहे हैं उसमें मदद करेंगे। आगे की स्लाइड में एक बार ब्रीफली देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। बेटा ये अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डेटा जो इसमें दिया हुआ है वो आपको याद करना है, ईजिली हम इस पर भी बात कर लेते हैं कैसे। जो तक्षशिला मिशन है वो ये कह रहा है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक जो इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन का वो ज़रूर खुला हुआ हो, एंड इफ़ दैट डिस्ट्रिक्ट इज़ डेमोग्राफिकली लार्ज, मतलब कि थोड़ा बड़ा अगर डिस्ट्रिक्ट है तो 2 या 3 रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट हाई क्वालिटी के हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर होने चाहिए। वो नहीं भी हैं तो जो मेन बात है एक हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट हर डिस्ट्रिक्ट में हो ताकि जो बच्चे हैं वहाँ के वो एनरोल कर सकें किनमें, हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स में, पहली चीज़। दूसरा देखो, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्योंकि इसको प्रपोज करने की बात हो रही है तो ये भी प्रपोजल ही है विद एन एनुअल ग्रांट ऑफ ₹20,000 करोड़ टू फंड क्वालिटी रिसर्च, रिसर्च के प्रोग्राम्स को फंड करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए देने की बात हुई है। कौन देगा, अगेन विच इज अ प्रपोज्ड बॉडी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो मिशन तक्षशिला का नाम आते ही क्या बात होनी चाहिए याद, कि कम से कम एक हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ओके। और मिशन नालंदा क्या कह रहा है, एटलीस्ट 100 रिसर्च फोकस्ड यूनिवर्सिटीज एंड 500 हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटीज, यानी कि टाइप 2 और टाइप 3 जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा खोले जाएं, कितने, 100 तो यूनिवर्सिटीज और 500 हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटीज 2030 तक। और जहाँ पे एक और बात, क्योंकि ये एंशंट यूनिवर्सिटी है, एंशंट कल्चर को हमारे रिप्रेजेंट करती है, तो इसीलिए जो प्रोग्राम्स हैं उनमें क्या हो, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस हो इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं, वैल्यूज़ हैं या जो पुराना नॉलेज सिस्टम है उन चीज़ों के ऊपर। तो ये मिशन तक्षशिला और नालंदा थे, इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, इन दोनों मिशंस को ओवरव्यू करने के लिए या फिर इनको एक तरह से इनके ऊपर विजिल रखने के लिए, नज़र रखने के लिए जो बॉडी बनाई गई है वो है मिशन डायरेक्टरेट। ये एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो ये दोनों मिशन कैसे फंक्शन कर रहे हैं उस पर ध्यान देगी। तो इतनी जानकारी आपके लिए सफिशियंट है। और ये देखो ये क्या हो रहा है, UGC टू बी ट्रांसफॉर्म टू हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन, एक ऐसी बॉडी बन जाए, तीसरी नई बॉडी मैं आपको बता रही हूँ जो कि UGC को ट्रांसफॉर्म करके उसका नाम हो जाए HEGC। आई थिंक UGC एजुकेशन के सब्जेक्ट में आपके इस यूनिट में इकलौती ऐसी बॉडी है जिसका कई बार नाम चेंज हुआ है, और आप UGC के लेक्चर में देखेंगे जब मैं आपको हिस्ट्री बताऊँगी तो उसी सिनेरियो में, उसी कंटेक्स्ट में इस बार जो उसका नाम चेंज करने की बात हो रही है वो है HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन। तो एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है कि अगर आपसे पूछता है कि बताइए UGC का नया नाम क्या रखना प्रपोज हुआ है और 4 ऑप्शन देता है तो आपको पता होना चाहिए हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन। लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार की एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं पाली, प्राकृत और पर्शियन, तीनों लैंग्वेज के नाम याद कर लीजिए, इनको
पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट्स को सेटअप करने की बात की जा रही है। अब ये ऑब्वियस है क्योंकि हम आपने देखा आपके सिलेबस में भी एंशियंट एजुकेशन सिस्टम का जो सब टॉपिक है उसको नया ऐड किया है। क्यों ऐड किया है? बिकॉज नाउ द कंट्री एंड द गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्रीज या जो आपका करंट एजुकेशन सिस्टम है दे वॉन्ट द स्टूडेंट्स टू बी अवेयर टू बी क्या बोले आप उसको एक्नॉलेज करें जान पाएं अवेयर हों किस चीज़ को लेकर हमारे कल्चर को लेकर हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम को लेकर हमारी वैल्यूज़ को लेकर। तो उसी कंटेक्स्ट में ये बात हुई है कि जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो खो ना जाएं उनके बारे में लोग बिल्कुल अनअवेयर ना हो जाएं इसीलिए उनको इंट्रोड्यूस किया जाए ये इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएँ और साथ में थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो हमारा चलता आ रहा है जिसमें कि दो जो लैंग्वेजेस हैं वो इंग्लिश हिंदी हो गई और तीसरी जो रीजनल लैंग्वेज हो गई उसको पढ़ाने की बात हो रही है उसके लिए भी आगे पॉइंट आएगा। नहीं भी है तो आप लिख लीजिए कि 10+2+3 जो सिस्टम था उसको हटा के करिकुलम 5+3+3+4 आया और एजुकेशन में जो लैंग्वेज का फॉर्मूला था थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला उसको प्रोपगेट करने की उसको बढ़ाने की उसको एडवोकेट करने की बात की है कि रीजनल लैंग्वेजेस जरूर पढ़ाई जाएँ बच्चों को। इनफैक्ट यहाँ तक बात हुई थी प्रपोजल में एक पॉइंट में मैंने सब एनक्लोजर में ये भी देखा है कि जो बच्चे हैं जिनको छोटी क्लास के बच्चे हैं यानी पाँचवीं छठी तक के बच्चे हैं अगर उन्हें पढ़ाई को लेकर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो जो उनकी मदर टंग है उसमें ही उनको पढ़ाया जाए पाँचवीं या छठी क्लास तक। अंग्रेजी अंग्रेजी अगर नहीं समझ आ रही है तो कोई बात नहीं तब तक, लेकिन मकसद यह है कि उन्हें बेसिक पढ़ाई जो है वो समझ में आनी चाहिए। तो इतना ज़्यादा एम्फोसिस दिया है रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर उसी के कंटेक्स्ट में ये पाली प्राकृत और पर्शियन ये तीन लैंग्वेज को पढ़ाने की और इनसे रिलेटेड जो है थ्री नेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने की बात हुई है। अनदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट देखो मार्क करते जाओ ये नए नए इंस्टीट्यूट्स हैं जो आप नाम देख रहे हो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI अगर ऐसे देता है तो भी पता होना चाहिए IIT नहीं है IIIT नहीं है इट इज़ IITI इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इसको बनाने का रिकमेंड किया गया है किस लिए वही लैंग्वेजेस के लिए वो आ गया देखो पॉइंट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हालांकि ये अभी कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ स्टेट्स में उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। non-hindi speaking states mein student will have to learn hindi along with the regional language and english। maan lijiye koi south ki state hai jahan pe Tamil Nadu Andhra Pradesh Kerala jahan par ki hindi nahi jante bacche to unko hindi seekhni hai aisa nahi hai ki apni padhai hai jo Malayalam Tamil Telugu mein kar li to jo language hai usko teenon languages ko seekhna hai regional ko bhi english ko bhi aur hindi ko bhi। के बाद इस स्लाइड में अब मैं समराइज करूंगी एक बार कि सारे पॉइंट्स जो थे या फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रह भी गए हैं हमारे ड्राफ्ट को लेकर वो भी आप लोग लिख लें या आपको याद हो जाए। देखो अगर मैं पहले बात करूं बेटा सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाने की बात हो रही है किसको चेंज करके MHRD को। कारिकुलम में चेंज की बात हो रही है 10+2+3 जो सिस्टम था उसकी जगह 5+3+3+4 सिस्टम की बात हो रही है। इतना हमने शुरू की स्लाइड्स में पढ़ा था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद मैंने वहाँ नहीं लिखा है वो है एक्सटेंशन ऑफ आप लिख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ RTE Act जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है जिसमें कि जो पहले लिमिट थी इट वॉज हम बार बार पढ़ रहे थे उसको 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए यही चल रहा था इतने सालों से। अब इसको एक्सटेंड करने की बात हो रही है नाउ दे आर प्रपोजिंग दैट इट शुड बी फ्रॉम 3 to 8 years ऑफ एज 3 से 18 years ऑफ एज जो 18 साल तक के बच्चे हैं उनको क्या किया जाए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए पहली चीज। एक और इंस्टीट्यूट जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बीच में शायद इसमें नहीं लिखा है मैंने नाम है उसका IUCIC इसके फुल फॉर्म लिख लीजिए आप इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन एजुकेशन के इंटरनेशनलाइजेशन को लेकर हायर एजुकेशन में जो एजुकेशन का स्टेटस है वो इंटरनेशनल मेजर्स को मीटअप कर पाए उसके लिए IUCIC सेंटर खोलने की बात हुई है। ये भी एक नया इंस्टीट्यूट था और इंस्टीट्यूट्स के साथ। इसके अलावा एक और एब्रिविएशन है आपके लिए NHERA
नेहरा, इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये भी हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए, स्पेशली प्रोफेशनल एजुकेशन जो है, इस तरह के प्रोग्राम्स को रेगुलेट करने के लिए बॉडी बनाने का प्रपोजल आया है, NHERA, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। एच ही तो आप जानते हैं हर जगह हायर एजुकेशन के लिए यूज होता है, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए इसको भी प्रपोज किया गया है कि एक सोल बॉडी बनाई जाए, एक लौती बॉडी बनाई जाए जो इस तरह के कामों को देखे, क्योंकि जो पुरानी बॉडीज हैं वो इस चीज़ को प्रॉपरली नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा UGC जो है, जो NAC को देखता है, जो हमारी एक्रेडिएशन की बॉडी है, उसको भी उससे सेपरेट करने की बात हो रही है कि जो एक्रेडिएशन है वो उस बॉडी को सेपरेट किया जाए। अभी वो UGC के अंडर UGC की बॉडी आप पढ़ेंगे या जो देख चुके हैं बच्चे लेक्चर्स जानते होंगे, तो इसको भी इससे अलग करने की बात हो रही है। इसके अलावा बात हुई थी, हाँ एक और स्लोगन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो पहले स्लाइड में नहीं आया था, मस्ट टेक द लीड, मस्ट, ये बिल्कुल नई चीज है, मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये मस्ट टेक द लीड। एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में जहां पर टेक्नोलॉजी की बात हुई है वहां पे ये जो स्लोगन है इसको इम्पोर्टेंट माना गया है, या इसको सेंटर रख के बात की जा रही है कि हमें लीड लेने की जरूरत है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, जहां पर फिर वो चाहे बिग डेटा के कंटेक्स में हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंटेक्स में हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी के, चाहे जियोटेक्नोलॉजी के कंटेक्स में हो, यानी ये जो नई नई फील्ड है टेक्नोलॉजी को लेकर, इस सब में हमें लीड लेने की जरूरत है। मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोग्राम्स को करने की, समझने की, इन्वेंट करने की और अप्लाई करने की जरूरत है। तो ये वाला जो फ्रेज है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये टेक्नोलॉजी को लेकर उन्होंने प्रपोज किया है या फॉलो करने की बात बोली है। इसके अलावा हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पढ़े जो कि खोलने की बात हो रही है, नए नए इंस्टीट्यूट, वो सारे आप स्लाइड्स में दे सकते हो। जो कवर नहीं किया है उसमें एक और चीज़ है कि टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर, टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर बात हुई है कि सब स्टैंडर्ड टीचर्स को नहीं लिया जाए, टीचर्स वेल ट्रेन्ड हो। इसके अलावा जो डिग्री, सॉरी बीएड प्रोग्राम है, डिग्री पे भी आएंगे, बीएड प्रोग्राम है वो अब 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो, जिससे कि क्या हो, ज़्यादा एक्सपोजर हो टीचर्स को और उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बढ़े, तो उसको अब 4 साल की कर दिया जाए। वैसे ही डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं उनको भी 4 साल का किया जाए, 3 साल पढ़ाया जाए और 4th साल जो वो रिसर्च करना चाहते हैं बच्चे, उसको उनका एक्सपोजर दिया जाए, उस तरह उसका एक तरह से कहें इंट्रोडक्शन या प्रिलिमिनरी वो दिया जाए, जब उनको पता चले कि ये एरियाज हो सकते हैं जिनमें मैं आगे जाके रिसर्च कर सकता हूँ, ऐसा प्रपोज किया है। ये कितनी चीजें इंप्लीमेंट होंगी या नहीं ये अभी हमें मालूम नहीं है। उसी तरीके से बात हुई है रिसर्च और इनोवेशंस को लेकर, मैंने आपको बताया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात हुई है, लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं पाली, प्राकृत और पर्शियन के, उनको खोलने की बात हुई है, मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला की बात हुई है हायर एजुकेशन को लेकर, और क्या बात हुई है आप याद करो पिछली वाली स्लाइड में, एडहॉक और जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं उनको ना लिया जाए, और क्या किया जाए, कंटेंट और जो करिकुलम है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, बच्चे एग्जामिनेशन और लैंग्वेज के स्ट्रेस में ना रहें जबकि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें वो, इसकी बात हुई है। RTE एक्ट को एक्सटेंड करना मैंने आपको बता दिया है, और क्या बात हुई, हाँ अडल्ट एजुकेशन और वोकेशनल प्रोग्राम्स, अडल्ट एजुकेशन और वोकेशनल प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बात हुई है। अच्छा GER को 50% तक बढ़ाने की बात हुई है 2035 तक। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि इस डिफ़िकल्ट टॉपिक को आप इजीली याद कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि आज हमने बहुत ही डिटेल में पूरी एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस कर ली है। इसके नोट्स आप बना लीजिए, स्लाइड से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, लेक्चर से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, और सिर्फ एग्जाम से पहले, जस्ट पहले आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आई एम श्योर आपके लिए टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इस लॉकडाउन के टाइम पे जितने भी एजुकेटर्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एजुकेशन से लेकर या एंट्रेंस एग्जाम से लेकर लॉस ना हो, उसी कंटेक्स्ट में मेरी भी यही एक कोशिश है कि आप लोगों को मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो पता चल सके और आपकी पढ़ाई हिंडर ना हो। तो अगर आपको और भी कुछ टॉपिक्स हैं, हमारे रेगुलर जो कोर्स चल रहा है जो मैंने स्टार्ट किया है उसमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं पेपर 1 या मैनेजमेंट को लेकर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।